ये हमारी इसको कहना चाहिए एक कूटनीतिज्ञ जीत है और पाकिस्तान ने एक प्रकार से जिस प्रकार से सरेंडर किया है, जिस प्रकार से वो एक एक बात को हमारी बात को मान रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि वो जो हमारे अभिनंदन पायलट जो हैं उनको उन्होंने छोड़ने के लिए जो कल ही घोषणा कर दी थी, मैं इस बात से संतोष जाहिर करता हूँ कि आज अभिनंदन जो है वापस सकुशल अपने देश पर। सर, अब जब आप मॉरिशस से आए थे, आपसे एक बार हम लोगों ने बात की थी, आपने गीता के लिहाज से कहा था, तो ओवरऑल इस पूरे पुलवामा के बाद भारत की तमाम जो एक्टिविटीज़ को देखें, कितनी बड़ी कामयाबी, सेना का तो है ही इसमें योगदान, लेकिन जो लीडरशिप होती है उसने भी काफ़ी, क्या कहेंगे सर, पूरा एनालाइज करें तो। देखिए, हमने तो ये कहा कि शांति बहाली ये हमारा पहला उद्देश्य लक्ष्य होना है, होना चाहिए, लेकिन शांति बहाली में जब कभी अन्याय का विरोध करने के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने जैसा कहा था कि युद्ध भी करना पड़े तो जरूर करना चाहिए, और यही सीख हमको गीता से मिली थी। गीता से आज भी गीता का जो लक्ष्य है, गीता का जो शिक्षा है, वो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रेरणीय है। मैंने उस समय कहा था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़े तो हमको करना चाहिए, और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने सेना को इस प्रकार की खुली छूट दी और जिसके परिणाम स्वरूप ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ और पाकिस्तान को सबक सिखाया, और आज सारी दुनिया इस बात से सहमत है कि आतंकवाद का विरोध ये निश्चित रूप से किया जाएगा, आतंकवाद का कोई स्थान दुनिया में नहीं बना चाहिए। वायुसेना के हमारे इस जवान के वापस आने के बाद क्या लगता है कि अभी ये गतिविधियाँ थमेंगी पाकिस्तान की तरफ से, और भारत भी इसमें कुछ लचीलापन अपनाएगा? मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान को उसके औकात ध्यान में आ गई है और निश्चित रूप से अब उसको लगता है कि कोई गलत काम वो करेगा नहीं, और दोनों ओर से अब आगे शांति होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।